हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको ये रेडीमेड सूट के ऊपर स्लीव्स अटैच करना बताऊंगी विदाउट एनी कटिंग। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शोल्डर के ऊपर लेस लगी हुई है, तो लेस के ऊपर ही हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और ये स्लीव्स इसके साथ ही मिली थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन स्लीव्स में फ्रंट पोर्शन कौन सा है, क्योंकि फ्रंट वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा कट किया होएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इतना उधेड़ देंगे 4-4 इंच दोनों साइड, इस वाली साइड भी और दूसरी वाली साइड भी। ये मैंने दोनों साइड से उधेड़ लिया। इसके बाद हम जो रेडीमेड स्लीव्स हैं उसको देखेंगे कि कौन सी स्लीव किस वाली साइड लगेगी। इससे पहले स्लीव की फिनिशिंग कर देंगे अच्छे से कटिंग करके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेट करने के बाद स्लीव के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे सेंटर में। इसके बाद कुर्ते का फ्रंट वाला पोर्शन लेके सेंटर में से स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ से ऐसे अंदर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद शोल्डर को यहाँ पे रख देंगे। जो सेंटर वाली सिलाई है बिल्कुल उसको जो हमने मार्क लगाया था उससे मिलाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। और जो हम सिलाई लगाएंगे वो लेस के ऊपर ही लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, ऐसे हम पूरी बाजू के ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा ही आपने फोल्ड करना है और जो सिलाई आएगी वो लेस के ऊपर ही लगानी है। ये हमारी हाफ स्लीव अटैच हो गई है। इसके बाद हम पीछे वाली साइड, बैक वाली साइड भी ऐसे अटैच कर लेंगे और ये हमारी दिखने में कुछ ऐसी लग रही है। बैक वाली साइड से कुछ ऐसी दिखेगी। सारी स्लीव ऐसे अटैच करने के बाद हम लेस के ऊपर एक और किनारी पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए ऐसे। ये सिलाई लगा दी। इसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हमने किसी चीज़ की कटिंग नहीं की है। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके बाद साइडों की सिलाई लगा के ये हमारा रेडीमेड स्लीव्स अटैच हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।